backbone of Indian gaming industry, the god of Indian gaming industry, the man who started this industry. आखिर कौन है ये इंसान जिसने अपने हाथों से इतनी बड़ी gaming industry को बचाया था एक time पर? क्यों लोगों से आज भूलते जा रहे हैं? कौन है the creator of gaming? तो मैं बात कर रहा हूँ बीस्ट बॉय शुभ की। तो बीबीएस की जर्नी स्टार्ट हुई थी कॉपीराइट स्ट्राइक के साथ। आज से ऑलमोस्ट 8 साल पहले यूट्यूब पे एक वीडियो डलती है जिसमें एनिमे के क्लिप्स का बहुत ज्यादा यूज हुआ था, तो यूट्यूब उस वीडियो को उड़ा देता है और ऐसे शुरू होती है शुभम की यूट्यूब जर्नी। बट ये जर्नी इतनी आसान नहीं थी बीबीएस के लिए, बिकॉज जब बीबीएस ने यूट्यूब के बारे में अपने पेरेंट्स को बताया था तो उन्होंने तभी इसके लिए बिल्कुल मना कर दिया था। बट उनको बहुत मनाने के बाद उन्होंने सिर्फ बीबीएस को 1 साल का टाइम दिया एंड अब बीबीएस इतना सक्सेसफुल है कि ऑडियंस ने खुद अपने हाथों से बीबीएस को गेमिंग का ताज पहनाया है। By the way, ऑडियंस ने ये ताज बीबीएस को डोरेमोन की वजह से पहनाया था। सो नॉट एक्जैक्टली डोरेमोन, बट डोरेमोन इफेक्ट की वजह से। जैसे डोरेमोन की मूवीज के लिए हमारे दिल में अलग जगह है, वैसे बीबीएस की वीडियोस के लिए भी हमारे दिल में अलग जगह है। बिकॉज बीबीएस बहुत पहले ही यूट्यूब पे आ गया था, इसलिए हम बहुत पहले ही बीबीएस से कनेक्ट हो गए थे जब ये न्यू क्रिएटर्स आए भी नहीं थे। तो इसलिए हमारे ब्रेन को ऐसा लगता है कि बीबीएस हमारा बहुत पुराना दोस्त है और ये न्यू क्रिएटर्स के साथ ऐसा लगता है कि ये लोग हमारे दोस्त अभी कुछ साल पहले ही बने हैं। दैट्स व्हाई ऑडियंस बीबीएस को इतनी रेस्पेक्ट देती है। बट एक और रीजन है बीबीएस को इतनी रेस्पेक्ट मिलने का, जो कि है उसका नेचुरल रहना, यानी नॉर्मल इंसानों की तरह गेम खेलना। मतलब बीबीएस बच्चों की तरह एक्टिंग नहीं करता बच्चों को खुश करने के लिए और ना ही फालतू की चौड़ मारता है टीनेजर्स को खुश करने के लिए। बस वो पूरी वीडियो में ऐसा रहता है जैसे एक नॉर्मल इंसान को रहना चाहिए। इस वजह से हम लोग बीबीएस से और भी कनेक्ट करते हैं एंड ऑब्वियसली उसका अलग अलग गेम्स खेलना तो है ही एक रीजन, बिकॉज भाई बंदे को व्यूज से ज्यादा गेम्स प्यार है। अगर तुम ऐसे गेमर को रेस्पेक्ट नहीं करोगे तो क्या फिर पुनीत सुपरस्टार को करोगे? इट इज नॉट ऑलवेज अबाउट द व्यूज। मैंने ये बात पहले भी अपनी वीडियोस में बोला है कि मैं सिर्फ व्यूज का भूखा नहीं। 12 जुलाई 2019 बीबीएस एक ऐसी सीरीज स्टार्ट करता है जो कि उसकी वन ऑफ द मोस्ट फेमस सीरीज बनेगी आगे जाके, माइनक्राफ्ट। तो बीबीएस की माइनक्राफ्ट सीरीज का इतना फेमस होने का रीजन खुद माइनक्राफ्ट था, बिकॉज बीबी इज वन ऑफ द यूट्यूबर्स जो माइनक्राफ्ट को इंडिया में लाए थे। तो यहाँ के ऑडियंस को इससे पहले माइनक्राफ्ट के बारे में पता ही नहीं था एंड उस टाइम बीबीएस के अलावा और कोई पॉपुलर यूट्यूबर खेलता भी नहीं था माइनक्राफ्ट। तो ऑडियंस के पास सिर्फ एक ही चॉइस बची थी माइनक्राफ्ट को एक्सपीरियंस करने की। एंड अगर हम बीबीएस के माइनक्राफ्ट सीरीज को व्लॉग्स भी कहते तो कुछ गलत नहीं होगा, बिकॉज उसकी सीरीज भी व्लॉग्स की तरह ही काम करती है। बस ये फर्क है कि इनमें बीबीएस की पूरे दिन की जर्नी गेम के अंदर होती है। लेकिन 3 महीने से ज्यादा हो गए बीबीएस को लास्ट माइनक्राफ्ट वीडियो डाले हुए। अब क्या हो गया बीबीएस की माइनक्राफ्ट सीरीज को जो उसने वो सीरीज बंद कर दी है? तो बीबीएस ने अपनी माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज को इसलिए बंद किया बिकॉज बीबीएस बोर हो गया था। यप, शुभ उस वर्ल्ड में माइनक्राफ्ट खेलकर बोर हो गया था एंड ऑडियंस भी बोर सी हो गई थी, बिकॉज प्रेजेंटली यूट्यूब पर हजारों गेमर्स आ चुके हैं जो माइनक्राफ्ट खेलते हैं एंड उनकी वजह से ये गेम इतना ओवर एक्सपोज्ड हो गया कि अब क्रिएटर से ज्यादा ऑडियंस को पता होता है कि आगे क्या करना है। और इसी वजह से शुभ जब कुछ नया भी करता है तभी भी ऑडियंस बोर ही होती है और इसी वजह से शुभ के बहुत कम व्यूज आने लगे माइनक्राफ्ट वीडियोस पर भी एंड शुभ खुद भी बोर हो गया था बिकॉज उसने भी ऑलमोस्ट पूरा ही माइनक्राफ्ट एक्सप्लोर कर लिया था अपने वर्ल्ड में, तो अब कुछ बचा ही नहीं था एक्सप्लोर करने को। बट सिचुएशन थोड़ी अलग होती अगर शुभ ब्रेक पर नहीं जाता, बिकॉज तब शायद उसकी ऑडियंस उसका चैनल देखना बंद नहीं करती। बट शुभ ब्रेक पर ही क्यों गया था? सो एक्चुअली शुभ 9 मंथ्स के ब्रेक पर गया था, वो भी एकदम से। मतलब उसने अपनी किसी भी वीडियो में कुछ भी नहीं बताया था और एकदम से 9 महीने के लिए गायब हो गया था। बट 9 महीने बाद जब वो वापस आता है तो हमें एक वीडियो देखने को मिलती है, वेयर हैव आई बीन। एंड इस वीडियो में बीबीएस बताता है कि उसकी दादी का एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए उसने सोचा था कि वो 2 वीक्स का ब्रेक लेगा, लेकिन वो ब्रेक एक्सटेंड ही होता चला गया। तो क्या इस ब्रेक की वजह से व्यूज में कोई चेंज आया है? डेफिनेटली। जहाँ पे बीबीएस की ब्रेक से पहले हर वीडियो पे 1 मिलियन से ऊपर व्यूज तो आराम से आ जाते थे, वहीं पे अब उनकी आधी से ज्यादा ऑडियंस उनको छोड़कर चली गई है। अब उनके 1 मिलियन व्यूज भी किसी किसी वीडियोस पे ही आते हैं। मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा था आखिर कौन है ये इंसान जिसने अपने हाथों से इतनी बड़ी गेमिंग इंडस्ट्री को बचाया था एक टाइम पर। तो मैंने ऐसा इसलिए कहा था बिकॉज बीबीएस ही वो इंसान था जिसने हिम्मत कर व्यूज को छोड़कर अलग अलग गेम्स ट्राई करे एंड इसी की वजह से बीबीएस की ऑडियंस भी बीबीएस से इंस्पायर हुई और उसी बीबीएस की ऑडियंस में से निकल कर आए बहुत पॉपुलर यूट्यूबर जैसे टेक्नो गेमर, मिथपैट, रचित्रो, बिक्सू, एंड्रू बी एंड मेनी मोर। भाई मतलब देख रहे हो ये सारे लोग पहले नॉर्मल ऑडियंस थे और अब ये लोग बीबीएस के बराबर आ गए और कुछ तो बीबीएस से भी आगे निकल गए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत ही, अरे कती अप्लॉज ले ले। एंड अब और लोग इन सब से इंस्पायर हो रहे हैं और नए नए गेम्स ट्राई कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने भी इन्हीं सभी यूट्यूबर्स को देखकर अपना चैनल स्टार्ट किया था। एक्चुअली मैं भी पहले गेमिंग ही करता था पर फिर मैंने कैटेगरी शिफ्ट कर ली। सो इनडायरेक्टली बीबीएस ही वो इंसान है जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पे बैठा हूँ, जिसकी वजह से तुम ये वीडियो देख रहे हो, जिसकी वजह से मेरा ये चैनल एग्जिस्ट करता है। एंड ऐसे ही मेरे जैसे हजारों यूट्यूबर्स होंगे जिनको बीबीएस ने इनडायरेक्टली बनाया है। एंड अगर बीबीएस न होता तो सारे यूट्यूबर्स जिन्हें भी गेमिंग करनी थी वो पबजी एंड फ्री फायर यूट्यूबर्स को देखकर बड़े होते, ना कि बीबीएस को देखकर। एंड फिर खुद का भी फ्री फायर पबजी का चैनल ही स्टार्ट करते और ऐसे ही आज पूरे के पूरे इंडिया के यूट्यूब पर गेमिंग के नाम पर सिर्फ पबजी या FF होता, कोई भी आज डिफरेंट गेम्स ट्राई नहीं कर रहा होता जैसे माइनक्राफ्ट, गेटिंग ओवर इट, ग्रैनी एक्सेट्रा। सो या जिस इंसान ने एक टाइम पर पूरी की पूरी गेमिंग इंडस्ट्री को बचाया, जिस इंसान के स्टूडेंट्स आज पूरी की पूरी दुनिया में तहलका मचा रहे हैं, रिकॉर्ड्स बना रहे हैं, गेमिंग को पूरे इंडिया में फैला रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर से मिल रहे हैं, उन्हीं के गुरु शुभ को हम भूलते जा रहे हैं।